हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपको एक स्टाइलिश चार्ट बनाकर दिखाएंगे। ये चार्ट बेसिकली वीकली सेल पर डिपेंड है कि हम किस तरीके से सेल दिखाएं कि हमारी सेल एक अलग तरीके से दिखे। जैसे आप देखेंगे जॉन की जो वीकली सेल है वो 27 है, तो हम चाहते हैं कि डे वाइज हमें सेल पता चले कि जोन की मंडे को क्या सेल थी, ट्यूसडे को क्या थी, वेनेसडे को क्या थी, थर्सडे को क्या थी, फ्राइडे को क्या थी, और टोटल उसकी सेल कितनी हुई है। देखिए, इस तरीके का एक डायनेमिक चार्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें उसके जो सब हेड हैं जस्ट लाइक अ डेज, वो आपको छोटे कॉलम में मिल रहे हैं और आपका जो टोटल है वो एक बड़े कॉलम में और वो टॉप पर दिख रहा है। अगर आप इन चार्ट का यूज अपने डैशबोर्ड में करेंगे, प्रेजेंटेशन में करेंगे, तो आपकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी और जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक जो बात करता है वीकली सेल रिपोर्ट चार्ट। इसको बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आप इस डमी डाटा को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करें, एक नई शीट बनाएं कंट्रोल एन के साथ, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज अ कॉलम विड्थ कर दें, तो यहां पर ही आपका पेस्ट हो जाएगा। अब चार्ट को क्रिएट करने से पहले आपको एक सपोर्टिंग कॉलम चाहिए होगा जिसका नाम हम रख देते हैं बॉटम लाइन। तो हमने यहां से रख दिया बॉटम लाइन, और इस लाइन को ज्यादा कुछ नहीं करना, 0-0% कर देना बस। कितना कर देना है इसको, टोटल 0% में कंट्रोल डी के साथ ड्रैग कर दो। अब आपको एक चार्ट क्रिएट करना है, आप इंसर्ट में जाओ, यहां पर चार्ट में जाओ और यहां जाकर आपको मिलेगा क्या, क्लस्टर्ड कॉलम। 2D चार्ट में गए, आपको यहां से चार्ट मिल गया। अब चार्ट के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो ये आपका चार्ट इस तरीके से आ गया। इसको आप इस तरीके से ड्रैग करें, इसको नीचे ड्रैग कर दें, तो जस्ट लाइक ये चार्ट आपका रेडी हो गया। ये चार्ट आपका रेडी हो गया। अब आपको थोड़ा सा सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डाटा पर जाना है, उसे शिफ्ट कर देना है स्विच रो एंड कॉलम। तो जैसे ही आप स्विच रो एंड कॉलम पर क्लिक करेंगे तो जोन की जो सेल होगी सबसे वो यहाँ आपको दिख जाएगी, ऐसी सबकी सेल आपको यहाँ दिख जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस जो ये कॉलम चार्ट है ना, आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पर जाऊंगा और यहां से जो मेरा टोटल है इसे मैं लाइन चार्ट में कर दूंगा, और ये जो मेरा बॉटम वाला है इसे भी मैं लाइन चार्ट पर क्लिक करके इस तरीके से कर दूंगा। तो देखिए, ये टॉप वाला है मुझे इस तरीके से मिल रहा है और ये जो मेरा बॉटम वाला है मुझे इस तरीके से मिल रहा है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहां पर, फॉर्मेट पर जाना है, ठीक है, या फॉर्मेट के अलावा आप जाएं किस पर, यहां जाएं और यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अप डाउन बार्स। बस आपको अप डाउन बार्स पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डाटा बार्स पर जाएं। इसके बाद बार्स पर जाने के बाद आपको करना क्या है, आप इसके साइज पर इस लाइन को डबल क्लिक करें। मैंने इस लाइन को क्लिक किया और जो इसकी गैप बिल्ट है उसे मैंने 50% कर दिया। बस कोशिश करना है कि जो पीछे वाला हिस्सा है वो इससे छुप जाए, इतना बढ़ा देना है आपको कि आपका ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये आपका छुप जाए। इसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन को आपको नो लाइन कर देनी है, मुझे इसकी लाइन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये जो नीचे लाइन आ रही है जीरो वाली, आप इसको भी क्लिक करें और इसको भी जाकर नो लाइन कर दें, तो जस्ट लाइक ये आपका चार्ट इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया, ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ग्रेडियंस फिल पर आए और ग्रेडियंस में सबसे पहले टाइप में आपको लीनियर लेना है और आप यहाँ पर ग्रेडियंस स्टॉप में इसको दो पार्टों में बांट देंगे। पहला आपको रखना है लाइक दिस वन, ठीक है, और दूसरा आपको जो कलर चाहिए वो चाहिए व्हाइट, व्हाइट रखना है और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% कर देनी है ताकि चार्ट आपको जस्ट लाइक इस तरीके से दिखे। क्लियर। दूसरा आप देखो इस चार्ट में कोई आउटलाइन नहीं है, तो आप इसे सिलेक्ट करें, बॉर्डर में जाएं और नो लाइन कर दें, तो ये चार्ट आपका जस्ट लाइक इस तरीके से क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया, साथ साथ आप क्या करें, व्यू में जाएं, ग्रिड लाइन पर जाएं और हेडिंग पर जाएं, इसे इस तरीके से रिमूव कर दें। ये आपका रिमूव हो गया। रिमूव के साथ साथ आपको ये लाइन भी चाहिए,
तो आप इस पर क्लिक करें, चार्ट ऑप्शन पे जाएं और आपको यहां से मिलेगी ग्रिड लाइन। आपको सारी ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देना है, जो भी आपकी ग्रिड लाइन होगी वो आ जाएगी। लेकिन हमें ये जो आपकी वर्टिकल है इसे सिलेक्ट करना है, सॉलिड करना है और इसको ब्लैक कलर से कर देना है और इसको अप्रोक्सीमेट इतना कर देना है। ये आपका चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप करना क्या है, इस चार्ट को सिलेक्ट करें, इस वाले हिस्से को, जस्ट लाइक मैंने इसको क्लिक करा। ठीक है, इसके बाद दोबारा से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पर डबल क्लिक करा। डबल क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मेट पे जाऊंगा और इसे ब्लैक कलर कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, फॉन्ट के टाइप को एजेंसी FB कर दूंगा और साइज को 2 पॉइंट तक बढ़ा दूंगा, जस्ट लाइक दिस वन। इस चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, इसको सेम मैं बोल्ड करूंगा, इसको मैं ब्लैक कर दूंगा और इसको जस्ट लाइक एजेंसी FB करके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। क्लियर है? अब इसमें मुझे टोटल नहीं चाहिए, मैं टोटल को रिमूव कर दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूं इस टोटल का जो है वो आ जाए, तो वो आ जाए। देखिए इसकी लाइन थोड़ी ज्यादा बोल्ट हो गई है, आप इसकी जो लाइन स्टाइल है या इसकी विड्थ है उसे आप थोड़ा सा पतला रखें, ठीक है, लाइक दिस वन। ठीक है, ये आपको बस इस तरीके से रखना था, ये आपका हो गया काम। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर क्या चाहिए, आप चाहते हो इसके ऊपर लेबल्स आ जाएं तो आप लेबल्स भी ला सकते हैं, क्लिक करें, लेकिन क्लिक यहां इसके सेंटर में करें, ऐड लेबल पे जाएं। तो मैंने यहां से ऐड लेबल पर क्लिक करा, लेबल को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डाटा लेबल पे गया, इसको मैंने अबअप कर दिया इस तरीके से, इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, शेप में गया और देखिए आपकी जो शेप है वो जस्ट लाइक इस तरीके की। तो आप यहां पर जाएं, चेंज शेप, आपको ये शेप ले लें जस्ट लाइक दिस वन, तो ये आपकी शेप आ गई। सबसे पहले सेम आपको कलर करना है, जो कलर यहां पर था आपको यहां जाना है, फॉर्मेट फिल कलर में जाना है और फिल कलर में यहां कर देना है। आप कलर आप इसमें व्हाइट रखना चाहते हैं तो आप इसमें जाएं फॉर्मेट में और कलर को आप दे दें व्हाइट दिस वन। आप होम पर जाएं, बोल्ड करें और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लें एजेंसी FB करके। ठीक है, अब हल्का चार्ट की जो विड्थ है आप उसे भी चेंज करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका चार्ट पूरी तरीके से रेडी हो गया, बस इस वाले हिस्से को और आपको थोड़ा सा करना है ब्लैक, ठीक है, फॉन्ट कर देना है आपको ब्लैक और साइज को थोड़ा सा बढ़ाकर बोल्ड और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जस्ट लाइक दिस वन। इसके बाद आप इसे वीकली चार्ट लिखना चाहते हो, आप इसे कॉपी करो और वहां जाकर इसे चेंज करके यहां पर कंट्रोल वी के साथ इसे वीकली कर दो। अब क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और सेम कलर से ब्लैक कर दो। ये आपका चार्ट इस तरीके से रेडी हो गया। अब आपकी जो कॉलम आपकी सपोर्टिंग नहीं है आप उसे हाइड कर दो, जस्ट लाइक जिसे आप दिखाना नहीं चाहते, आप इसके फॉन्ट को कर दें व्हाइट, ठीक है, और इसको इसकी जो फॉर्मेटिंग है इस वाले की और फॉर्मेटिंग को आप रिमूव कर दें, यहां जाएं, यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें, ठीक है, जस्ट लाइक इस तरीके से कर दिया और इसको फॉन्ट को व्हाइट कर दें, तो ये आपकी सपोर्टिंग कॉलम आपके बन गए। अब देखिए जैसे जैसे आपकी वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे चार्ट, अब इसकी एक्सिस को भी आप फिक्स कर दें, राइट क्लिक, मिनिमम 0 रखो और मैक्सिमम 60 कर दो, तो अब आपका ये चार्ट इस तरीके से रेडी हो गया। ठीक है, तो अब ये चार्ट आपका पूरी तरीके से बन गया, और अगर आप इस चार्ट को अपने डैशबोर्ड अपने प्रेजेंटेशन में यूज करेंगे तो ये चार्ट आपको एक बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा और आपकी रिपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपके साथ हम नई नई वीडियो लाते हैं, जस्ट लाइक चार्ट कि हम वीडियो आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेल कराते हैं हम लोग और भी कोर्स करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको काफी सारी नॉलेजों का बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।